हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीट यूजी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, मेडिकल एग्जाम के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नीट यूजी चैनल को और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एम्स के कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ और गाइस साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि इंडिया में जितने सारे एम्स कॉलेज है उनमें कितने सीट अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज कितने सीट है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और गाइस, अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं और आपका भी सपना है एम्स कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप भी इस वीडियो को देखिए ताकि उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि आपको एम्स में एडमिशन लेने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। और गाइस, आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि एम्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। और गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल मैं उन फैक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आपको बिना समय गवाए आपको वीडियो में बता देता हूँ कि कौन कौन कॉलेज में कितने कट ऑफ रहने वाला है। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एम्स न्यू दिल्ली की। एम्स न्यू दिल्ली में टोटल 125 MBBS सीट अवेलेबल है और कैटेगरी वाइज कितने सीट है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो सीट है वो फिजिकल हैंडीकैप और फॉरेन स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया हुआ है। अगर आप एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपका स्कोर कम से कम 695 होना चाहिए। ओबीसी के लिए 680, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 685, एससी के लिए 660, एसटी के लिए 650। और गाइस, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहता है वो लगभग इक्वली रहता है। नंबर टू, अगर भुवनेश्वर एम्स की बात करें जो कि ओडिशा में है, जहां पर 125 MBBS सीट अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज भी कितने सीट है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 670, ओबीसी कैटेगरी के लिए 655, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 660, एससी कैटेगरी के लिए 605 और एसटी कैटेगरी के लिए 580। अगर एम्स भोपाल की बात करें जो कि एमपी में है, जहां पर 125 MBBS सीट अवेलेबल है, जनरल कैटेगरी के लिए 670, ओबीसी कैटेगरी के लिए 655, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 658, एससी कैटेगरी के लिए 615 और एसटी कैटेगरी के लिए 595, अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो आप आराम से आपको एम्स भोपाल में सीट मिल जाएगा। नाउ एम्स जोधपुर की बात करें जो कि राजस्थान में है, जिनमें 125 MBBS सीट अवेलेबल है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 665, ओबीसी कैटेगरी के लिए 655, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 658, एससी कैटेगरी के लिए 600 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 590 कट ऑफ रहने वाला है। नाउ एम्स ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में टोटल 125 MBBS सीट अवेलेबल है, जनरल कैटेगरी के लिए 660, ओबीसी कैटेगरी के लिए 650, ईडब्ल्यूएस के लिए 652, एससी कैटेगरी के लिए 585, एसटी के लिए 565। अगर एम्स रायपुर की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ में है, टोटल 125 MBBS सीट अवेलेबल है, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 655, ओबीसी के लिए 650, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 653, एससी कैटेगरी के लिए 585, एसटी कैटेगरी के लिए 565। एम्स पटना की बात करें तो जो कि बिहार में है, टोटल 125 MBBS सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 652, ओबीसी के लिए 648, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 650, एससी कैटेगरी के लिए 585 और एसटी के लिए 560। एम्स नागपुर में टोटल 125 MBBS सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 650, ओबीसी के लिए 645, ईडब्ल्यूएस के लिए 648, एससी के लिए 580, एसटी के लिए 550। एम्स राजकोट गुजरात में है, टोटल 50 MBBS सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 600, ओबीसी के लिए 595, ईडब्ल्यूएस के लिए 598, एससी के लिए 535, एसटी के लिए 480। एम्स बीबी नगर की बात करें जो कि तेलंगाना में, टोटल 62 MBBS सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 640, ओबीसी के लिए 628, ईडब्ल्यूएस के लिए 630, एससी कैटेगरी के लिए 555, एसटी के लिए 600। एम्स मंगलागिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, टोटल 125 MBBS सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 645, ओबीसी के लिए 625, EWS के लिए 627, SC के लिए 540 और ST के लिए 535। एम्स गोरखपुर की बात करें जो कि यूपी में है, टोटल 125 MBBS सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 635, ओबीसी के लिए 627, EWS के लिए 630, SC के लिए 545 और ST के लिए 525। नाउ एम्स कल्याणी की बात करें जो कि वेस्ट बंगाल में है, टोटल 125 MBBS सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए 625, ओबीसी के लिए 620, ईडब्ल्यूएस के लिए 622, एससी के लिए 535 और एसटी के लिए 510। एम्स बिलासपुर की बात करें जो कि हिमाचल प्रदेश में है, टोटल 50 MBBS सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 630, ओबीसी के लिए 625, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 625, एससी के लिए 560 और एसटी कैटेगरी के लिए 525 कट ऑफ रहने वाला है। एम्स देवघर
नंबर की बात करें जो कि झारखंड में है, टोटल 62 MBBS सीट है। जनरल कैटेगरी के लिए 625, ओबीसी के लिए 622, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 625, एससी कैटेगरी के लिए 540 और एसटी कैटेगरी के लिए 515। एम्स गुवाहाटी की बात करें जो कि आसाम में है, टोटल 50 MBBS सीट है। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 625, ओबीसी के लिए 620, ईडब्ल्यूएस के लिए 623, एससी के लिए 540, एसटी कैटेगरी के लिए 555 कट ऑफ रहने वाला है। एम्स विजयपुर की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में है, टोटल 50 MBBS सीट है। जनरल कैटेगरी के लिए 623, ओबीसी के लिए 620, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 625, एससी के लिए 545, एसटी कैटेगरी के लिए 520। एम्स भटिंडा की बात करें जो कि पंजाब में है, टोटल 50 MBBS सीट है। जनरल कैटेगरी के लिए 645, ओबीसी कैटेगरी के लिए 635, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 640, एससी कैटेगरी के लिए 555, एसटी कैटेगरी के लिए 530। एम्स रायबरेली जो कि यूपी में है, टोटल 100 MBBS सीट अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी के लिए 635, ओबीसी कैटेगरी के लिए 625, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 628 और एससी कैटेगरी के लिए 550, एसटी कैटेगरी के लिए 530 कट ऑफ रहने वाला है। सो गाइस, ये था सारे एम्स कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपका स्कोर इतना आ रहे तो आपको MBBS सीट मिलने का मैक्सिमम चांसेस है। और गाइस, आपके स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है, स्टेट कोटा के थ्रू कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके आपके स्टेट के नाम बताइए।